बुलंदशहर गैंगरेप पर आजम खान ने कहा था कि वोट लेने के लिए जब दंगे हो सकते हैं तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे लोग जो सत्ता में आना चाहते हैं वो तो ये कुकर्म नहीं कर रहे। वोट लेने के लिए मुजफ्फरनगर हो सकता है, शामली हो सकता है, कैराना हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। कांग्रेस ने आजम खान के बयान पर सवाल उठाए। बीजेपी ने मामले की सीबीआई जांच की मांग की। मैं आजम खान जी को मैं हाथ जोड़ के कह रही हूँ, भाई हमें बख्श ले। अखिलेश यादव जी, अगर थोड़ी बहुत भी आपके अंदर नैतिकता है, थोड़ी बहुत भी अगर आपको शर्म आती है, तो इस पूरी जो घटना हुई है इसकी जांच सीबीआई को दी जानी चाहिए। मुझे मालूम नहीं, उन्हें मालूम हो। आज यूपी बीजेपी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य समेत बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। ऐसा व्यक्ति श्री अखिलेश यादव जी के मंत्रिमंडल में ही हो सकता है जो उत्तर प्रदेश की समय बागडोर संभाले हैं, जिला संभालने की स्थिति में नहीं है। 29 जुलाई की रात पीड़ित परिवार रात 10:30 बजे नोएडा से शाहजहांपुर के लिए निकला। रात 11:30 बजे पीड़ित परिवार नेशनल हाईवे 91 होते हुए बुलंदशहर पहुंचा। रास्ते में 12 हथियारबंद बदमाशों ने पीड़ित परिवार की गाड़ी रुकवाई। बदमाशों ने पास के खेत में ले जाकर लूटपाट की, माँ बेटी के साथ गैंगरेप किया। गैंगरेप के आरोप में पकड़े गए 3 आरोपियों को 14 दिन के लिए जेल भेज दिया गया है। मुख्य आरोपी फरार है। गैंगरेप को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यूपी पुलिस से जवाब मांगा है। यूपी की सियासत में जमीन तलाश रही कांग्रेस ने आज वाराणसी से अपने चुनावी अभियान का आगाज किया। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में आज रोड शो किया। सोनिया के इस रोड शो को शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। सोनिया ने अंबेडकर प्रतिमा मार्ग से रोड शो की शुरुआत की। सोनिया के काशी पहुंचने पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह दिखाई दिया। कांग्रेस नेताओं का भी मानना है कि इस कार्यक्रम से राज्य कांग्रेस में नई जान आएगी। बहुत अच्छा रहेगा, उत्साह बहुत ज्यादा है, कल से ही लोग आने शुरू हो गए। सोनिया गांधी जी बाबा विश्वनाथ के दर्शन के लिए आ रहे हैं, लेकिन जनता के बीच से होके जाएंगे। ये जुलूस नहीं है बल्कि जनता के बीच वो अभिवादन है। बीजेपी ने पलटवार किया, कहा कांग्रेस कुछ भी कर ले कुछ नहीं होगा। वो रोड शो करे और चाहे रेल शो करे और चाहे वो हवाई जहाज का शो करे, उन कोई फर्क उत्तर प्रदेश में पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत देश और पहले ही उत्तर प्रदेश कांग्रेस से मुक्त हो चुका है। पीएम के संसदीय क्षेत्र होने के कारण कांग्रेस ने उन्हें घर में ही घेरने की रणनीति बनाई है। पूर्वांचल में विधानसभा की 160 सीटों पर कांग्रेस की नजर है। कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए 27 साल यूपी बेहाल का नारा दिया है। कांग्रेस का मानना है कि वाराणसी के कार्यक्रम का असर पड़ोसी राज्य बिहार पर भी पड़ेगा। सोनिया रोड शो के बाद एक जनसभा को भी संबोधित करेंगी और शाम को काशी विश्वनाथ के दर्शन भी करेंगी। जीएसटी बिल पास होने का रास्ता अब लगभग साफ हो चुका है, कल इसे राज्यसभा में पेश किया जाएगा। बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी ने अपने सांसदों को व्हिप जारी कर अगले 3 दिन तक सदन में मौजूद रहने को कहा है। संसदीय दल की बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने बताया कि सभी दलों से सरकार की बातचीत हो चुकी है। उन्होंने उम्मीद जताई कि जीएसटी बिल सर्वसम्मति से पास हो जाएगा। कल जीएसटी राज्यसभा में लिस्टेड है, हम उम्मीद करते हैं ये सर्वसम्मति से पारित होगा। कोई और परिवर्तन की आवश्यकता है तो सरकार उस पर पूरी तरीके से बात कर रही है और मुझे लगता है कि कल ये बिल राज्यसभा में पारित हो जाएगा। पूरा अनुमान है, अगर कोई नई सरप्राइज नहीं होती, कोई नया आश्चर्यजनक तत्व नहीं आता है, तो कल एक प्रकार से वो ढांचा सहमति द्वारा अप्रूव हो जाना चाहिए। लगता यह है कि इस बिल को पारित कर देना चाहिए और थोड़ा सा हेर फेर अगर है सुझाव तो वो उसको एक्सेप्ट करके इस मामले को पारित कर देना। हम लोग जो है वो पूरी ताकत के साथ और बाकी पार्टियों से हम बात कर रहे हैं कि उसको पास करने के लिए हम ताकत के साथ उसको समर्थन करेंगे। बेसिकली हम जीएसटी के पक्ष में हैं, कुछ आशंकाएं हैं, जिसको वित्त मंत्री जी से कहा था, सदन में भी कहूँगा, उसका जवाब दे दूंगा। तो हम जीएसटी का बहुत विरोध करेंगे। जीएसटी लागू होने के बाद पूरे देश में एक ही दाम पर सभी सामान मिलेंगे। जीएसटी के जरिए अब तक दिए जाने वाले सभी अप्रत्यक्ष करों को हटा लिया जाएगा। जीएसटी लागू होने पर वैट के अलावा कोई और टैक्स नहीं लगेगा। जीएसटी से हुई आमदनी को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बांटा जाएगा। इससे पहले सरकार ने जीएसटी पर कांग्रेस की 3 में से 1 मांग मान ली थी, जिसके बाद जीएसटी से 1% अतिरिक्त टैक्स हटाने का फैसला लिया। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद गुजरात का सीएम कौन होगा? बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में इस पर आखिरी फैसला लिया जा सकता है।
गुजरात के सीएम पद की दौड़ में नितिन पटेल, पुरुषोत्तम रूपाला और विजय रूपानी का नाम शामिल है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष विजय रूपानी का नाम इसमें सबसे आगे है। रूपानी ने भी कहा है कि वो किसी भी जिम्मेदारी के लिए तैयार हैं। पार्टी जो जिम्मेदारी सौंपेगी वो करेंगे, जो हाई कमांड तय करेंगे सब मिलकर साथ में उनके साथ गुजरात का विकास की यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। इस बीच कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट किया कि गुजरात आनंदीबेन पटेल के 2 सालों के कार्यकाल में नहीं बल्कि 13 साल के मोदी शासन में बर्बाद हुआ है। बीजेपी गुजरात में किसी को बलि का बकरा बनाकर नहीं बच सकती है। इस साल 21 नवंबर को आनंदीबेन पटेल 75 साल की हो जाएंगी। आनंदीबेन पटेल ने कल सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री पद छोड़ने की इच्छा जताई थी। उन्होंने फेसबुक के जरिए खुद को नवंबर से 2 महीने पहले ही मुक्त करने की मांग की है। आनंदीबेन पटेल ने लिखा था कि नए सीएम को वाइब्रेंट गुजरात 2017 की तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आनंदीबेन पटेल 22 मई 2014 को गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। पाकिस्तान दौरे पर जा रहे गृह मंत्री राजनाथ सिंह की सुरक्षा को लेकर भारत ने चिंता जाहिर की है। सूत्रों के मुताबिक भारत ने राजनाथ सिंह की सुरक्षा को लेकर पाकिस्तान से बात की है और कहा है कि उन्हें पाक में लश्कर जैश और ISIS जैसे आतंकी संगठनों से खतरा हो सकता है। पाक दौरे से पहले आज गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय बैठक भी हुई जिसमें विदेश सचिव, गृह सचिव समेत NSA, IB और रॉ प्रमुख मौजूद थे। हालांकि केंद्र सरकार ने साफ कर दिया है कि सार्क देशों की बैठक में भारत पाक के बीच कोई द्विपक्षीय बातचीत नहीं होगी। ये सार्क होम मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस जो है ये बायलैटरल कॉन्फ्रेंस है। हमारे होम मिनिस्टर वहाँ के पाकिस्तान के होम मिनिस्टर से अलग से मिलने थोड़ी जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर में तनाव और पठानकोट एयरबेस पर हमले के बाद किसी केंद्रीय मंत्री का ये पहला पाकिस्तान दौरा है। राजनाथ सिंह को सार्क देशों के गृह मंत्रियों की बैठक में शामिल होने के लिए पाकिस्तान जाना है। 3 और 4 अगस्त को इस्लामाबाद में सार्क देशों की बैठक होनी। राजनाथ सिंह के पहुंचने पर हाफिज सईद ने इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और पेशावर समेत कई शहरों में प्रदर्शन की धमकी दी है। नवाज सरकार ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह को राष्ट्रपति स्तर की सुरक्षा देने का फैसला किया है। कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने एक बार फिर देश विरोधी काम किया है। घाटी में कल हुर्रियत के बंद के दौरान अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने समर्थकों के साथ दीवारों पर गो इंडिया गो बैक के नारे लिखे। हिजबुल आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर में मारे जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में अलगाववादी प्रदर्शन कर रहे हैं। उधर CM महबूबा मुफ्ती ने अलगाववादियों के खिलाफ जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अलगाववादी घाटी के बच्चों को अनपढ़ रखने की साजिश रचते हैं। एजुकेशन हमारी बुनियाद है और उसी पे इस पर हमला किया जा रहा है कि अनपढ़ों की कौन रहे यहाँ पर, जिसको जिस तरह हम चाहे उसको धकेल सके। अगर अफगानिस्तान आज अफगानिस्तान बना हुआ तो वो एकदम अफगानिस्तान ही बना, वहाँ भी धीरे धीरे इसी तरह शुरू हुआ, लोगों में दहशत फैलाई गई। इस बीच अभी भी कश्मीर के कई इलाकों में तनाव बना हुआ है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा, कुलगाम, शोपिया समेत कई इलाकों में 25वें दिन भी कर्फ्यू जारी है। अलगाववादियों ने 5 अगस्त तक कश्मीर में बंद का ऐलान किया है। हालात के मद्देनजर ज्यादातर अलगाववादी नेता नजरबंद या गिरफ्तार किए गए हैं। हिंसा में मरने वालों की संख्या अब तक 50 और घायलों की संख्या करीब 4000 तक पहुँच गयी है। राज्य में मोबाइल सेवा शुरू कर दी गई है लेकिन मोबाइल इंटरनेट सेवा पर रोक अभी भी बरकरार है।